कक्षा दसवीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको इंग्लिश का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करेगा ना, बेहतरीन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में से फंसेगा पूरा। ठीक है भैया, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड, फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम फिट सिटीजन, मेक्स चाइल्ड ड्यूल, मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग, कि ये डी वाला मेक्स हिम वे वार्ड। तो यहाँ पर ध्यान से देखना आप, इनमें से शब्दों को ढूंढो। चाइल्ड हो गया है, फ्रॉम कैरेक्टर मेक्स एंड सिटीजन, कहीं ना कहीं लिखा है क्या ये? तो ये यहाँ पर जब अपन पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो ये जिस तरह छाट, तो बहुत सारे बच्चे छाँट लेते हैं, यहाँ पर लिखा हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। तो पहले का अपना राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ये ए राइट हो जाएगा। इसी तरह यदि हम दूसरे की बात करें तो इधर दूसरा दिया गया है, उसको भी बहुत ही बढ़िया से छाट लेते हैं। ये देखिएगा दूसरा क्या बोल रहा है अपना, कि मैक्स इविल, ठीक है भैया यहाँ पर देख लेना है, मैक्स इविल डज ए चाइल्ड पिक अप, ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स, तो इसका आ जाएगा कैच कोल्ड एंड फेलिल। तीसरा जो है इसका आपका आ जाएगा यहाँ से हैबिट्स वाला है, तो इसका आ जाएगा एवॉइड थिंग्स आर इंजर्स, उसको ढूंढोगे तो आप मिल जाएगा ना भैया। टाइटल की बात करें अपन तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन आपको बताया गया है, आप तो घबराओ मत, है ना, जो बताऊंगा उन्हीं में से आपका फंसेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं ना भैया, ये क्वेश्चन नंबर दो है आपका यहाँ से इसका, ठीक है। दूसरा जो है ये आपका यहाँ पर चौथा जाएगा, तीसरे की यदि बात करें तो वन मेन आ जाएगा, चौथे में आपका नेपोलियन आ जाएगा और वी आर डिवाइड वी फैल, यदि हम टुकड़ों में विभाजित रहेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से, और डिवाइड एंड कंक्योर वाज मोटोस ऑफ, ठीक है उसका उद्देश्य क्या था, डिवाइड कंक्योर, तो ये आपका जाएगा नेपोलियन का था। चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर जो दो है इसमें आपको नोट्स बनाने हैं, तो ये तो हर बच्चे जानता भी है। रही बात आपकी यहां से अपने को ध्यान से देखना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फोर है ना, इसमें आपको दिया गया यू आर अरुण त्रिपाठी रीडिंग इन टेंथ गवर्नमेंट हायर हाई स्कूल रीवा, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन, तुम्हारा नाम क्या है? अरुण त्रिपाठी, आप भले बल्लम चंदो, अभी हाल फिलहाल नाम क्या है आपका? अरुण त्रिपाठी है, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर स्कूल requesting him to issue your transfer certificate because your father has been transferred to Bhopal, ठीक है भैया। यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यहाँ से अपने को देख सकते हैं टू द प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पर जो भी स्कूल का नाम है आपका, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन। I beg to say that मैं कहना चाहता हूँ, डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ इन यूर स्कूल, आपकी स्कूल का मैं कक्षा का पहली का छात्र हूँ, क्या टेंथ का छात्र हूँ, ठीक है भैया। माई फादर इज ए गवर्नमेंट टीचर, हमारे सब बन के दादाजी, तो माई फादर इज ए पुअर फार्मर भी लिख सकते हैं, ठीक है, मेरे पिताजी क्या गरीब किसान है, या फिर ही वहां पर देख लीजिएगा, यहाँ पर अपन हाल फिलहाल क्या लिखा है कि टीचर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। माई फादर इज ए गवर्नमेंट टीचर, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड कोटरी टू भोपाल, उनका कोटरी से भोपाल जो है ट्रांसफर हो गया है, ठीक है भैया। ये देखिएगा आई एम गोइंग विथ फैमिली, मैं जा रहा हूँ विथ माई फैमिली, मेरी फैमिली के साथ, सो आई कैन नॉट रीड हियर। अब भाई साहब जा रहा है तो यहाँ तरह का भूत आएगा क्या पढ़ाने स्कूल में, इसलिए क्या है मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, ठीक है भैया। इसके बाद में प्लीज इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सर, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, है ना। ये यहाँ से आप क्या करना है, इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, ये मैंने पूरा बता दिया आपको। इसके बाद में यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो यहाँ से आप थोड़ा सा ये भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, है ना भाई, ध्यान से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है आपका, कि यू आर राकेश मिश्रा राइट एन ए लेटर टू यूर फ्रेंड, ठीक है। ये आपका बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो सेवन है इसको देखिए आप पहले ध्यान से, सी डज हर होमवर्क डेली, मोहन डैड
ऑफ मलेरिया स्टूडेंट मस्ट आ जाएगा, यहाँ से द आ जाएगा, यहाँ से टॉलर, ताकि मेरे बच्चों को दिक्कत ना आए इसलिए मैंने जल्दी जल्दी भर दिए, यहाँ पर बिटवीन आ जाएगा। ये देखिए आई डू माई होमवर्क, तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क। चिल्ड्रेन रीड बुक्स, तो बुक्स आर रीड बाई चिल्ड्रेन। रोहन इज माई फ्रेंड, तो हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड रोहन। ये सभी कर सकते हैं। इट इज रेनिंग, चेंज इंटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो इट हैज रेंड आ जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, तो अनलेस यू कैन रन फास्ट, यदि आप दो तेज नहीं दौड़ते तो यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। उषा रन्स वेरी फास्ट, तो इसकी जगह पे वेरी की जगह पे सो आ जाएगा और यहाँ पर डेट आ जाएगा, बाकी तो चीजें क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से देखो, ये ठीक है, पूरी चीजें भर दिए ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये पेसेज है, ध्यान से देख लेना आप, तो हो गया इतना। ये यहां से इसके आंसर रहेंगे ए बी सी, ये आपका बी वाला रहेगा, हो गया यहां तक। क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया आपका, ठीक है। ये इसको पूरा पीडीएफ के थ्रू अभी मैं बताता हूँ आपको, है ना। ये यहाँ से हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 13 है, और ये 14, 15, और ये आपका 16 रहने वाला है, ठीक है भैया। तो ये तो मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है, चलिए अब इसका पीडीएफ के थ्रू सॉल्यूशन भी देखते हैं ना। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये यहाँ से ना हो गया पहला क्वेश्चन, इसके बाद में ये दूसरा रहेगा, यहाँ से तीसरा रहेगा, ये आपका चौथा, यहाँ से पांचवा रहने वाला है, और ये छठा, यहाँ से सातवां। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिएगा आप, तो ये ध्यान से, ये हो गया इतना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा आप, तो ध्यान से भैया आराम से लो स्क्रीन शॉट थोड़ा, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ पर है, ये तीसरा रहेगा, ये 14 का यहाँ पर है, ये आपका दूसरा रहेगा यहाँ से, ये आपका तीसरा रहेगा, हो गया। ये क्वेश्चन